हे नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पांच ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन्स जो आप परचेस कर सकते हो 15,000 रुपये के प्राइस रेट के अंदर। तो अगर आपको एक बड़ा सा स्मार्टफोन परचेस करना है और आपका बजट यहाँ पर 15,000 रुपये के आसपास है तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको डेली टॉप प्रोडक्ट, बेस्ट डील्स और ऑफर्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21। तो ये वाला स्मार्टफोन जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो एक सैमसंग का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं 15,000 रुपये के अंदर। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको 6 GB का रैम दिया गया है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसे आप चाहे तो यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 512 GB तक। मतलब यहाँ पर आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है। वैसे भी जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन होते हैं सभी में आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिलता है और इसमें भी आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है। अगर हम कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा दिया गया है जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। बैक में फ्रंट कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है वाटरटॉप नॉच के साथ। अगर हम यहाँ पर बात कर ले बैटरी की तो यहाँ पर आपको बैटरी काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है जहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई है। और ये वाला जो स्मार्टफोन है 15 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर की बात कर ले तो इसमें आपको सैमसंग का एक प्रोसेसर दिया गया है जो यहाँ पर सैमसंग एक्जिनॉस 9611 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 2.3 GHz का ऑक्टो कोर प्रोसेसर है। तो इसमें आपको प्रोसेसर जो ठीक ठाक देखने को मिलता है, उतना अच्छा आप यहाँ पर गेमिंग वगैरह नहीं कर पाओगे लेकिन आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन गेमिंग के लिए ये वाला स्मार्टफोन नहीं है, उतना हार्ड कोर गेमिंग यहाँ पर आप नहीं कर सकते लेकिन लाइट गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर कर पाओगे। और इसमें जो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो एक ठीक ठाक स्मार्टफोन है सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से। अच्छे खासे स्पेक्स आपको मिलते हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, बड़ा बैटरी मिल जाता है, कैमराज भी इसमें आपको काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। तो ओवरऑल बात करें तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो 14,999 मतलब 15,000 रुपये में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो अलग से जाके आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कौन सा भी स्मार्टफोन पसंद आता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर पोको M2 Pro। ये भी जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पर कुछ स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 6 GB का रैम दिया गया है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसे आप चाहे तो यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 512 GB तक। मतलब 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ जो आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा देखने को मिलता है जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया है। बैक में फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। अगर हम बात कर ले बैटरी की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है। और वाला जो स्मार्टफोन है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है तो काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अगर हम बात कर ले प्रोसेसर का तो यहाँ पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इस प्राइस रेंज में आपको ये वाला प्रोसेसर मिलता है और जो कि काफ़ी अच्छा एक प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। HDR गेमिंग, हाई डेफिनेशन गेमिंग भी आप इसमें इजिली कर पाओगे। और कुछ फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिल जाता है। साइड में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात करें तो 13,999 मतलब 14,000 रुपये में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर रियलमी नार्जो 20 प्रो। ये भी जो है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर बात कर ले यहाँ पर कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको 6 GB का रैम दिया गया है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसे आप चाहे तो यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256 GB तक। मतलब यहाँ पर आपको 2 SIM मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
अगर मैं अपना डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है, फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है और अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी मिलता है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। अगर हम कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया है बैक में, और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। अगर हम यहाँ पर बात कर ले बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपको काफ़ी छोटी बैटरी मिलती है, लेकिन ये वाला जो स्मार्टफोन है 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर ले प्रोसेसर का तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोसेसर मिलता है, तो प्रोसेसर भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें कर सकते। और इस स्मार्टफोन में जो आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, तो उतना जल्दी आपका स्मार्टफोन यहाँ पर हीट नहीं होने वाला। और इसमें भी आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो ये वाला स्मार्टफोन भी जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात करें तो 14,999 में, मतलब 15,000 रुपये में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max। ये भी जो है काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा आपको प्रोसेसर मिलता है, कैमरा वगैरह भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको 6GB का रैम दिया गया है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है जिसे आप चाहे तो यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 512GB तक, मतलब यहाँ पर आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर बात कर ले डिस्प्ले का तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है बैक में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है। तो कैमरा भी जो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर ले बैटरी की तो 5020 mAh की इसमें आपको बैटरी दी गई है और ये वाला जो स्मार्टफोन है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया जो कि 8nm पर रन करता है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और गेमिंग वगैरह भी इसमें आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। और कुछ फीचर्स की बात कर ले तो इसमें आपको 3D कोरिंग और लगलास 5 का प्रोडक्शन देखने को मिलता है फ्रंट और बैक पर, और फिंगरप्रिंट सेंसर जो आपको इसमें साइड में दिया गया है। तो ओवरऑल बात करो तो ये वाला स्मार्टफोन भी जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्पेक्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात करें तो 14,999, मतलब 15,000 रुपये में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्मार्टफोन और लास्ट स्मार्टफोन आ जाता है वो यहाँ पर Realme 7। ये जो एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है Realme की तरफ से। अगर बात कर ले इसके कुछ स्पेक्स की तो इसमें आपको 6GB का रैम मिलता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया जिसे आप चाहे तो यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं 256GB तक, मतलब यहाँ पर आपको 2 SIM एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर कैमरास की बात कर ले तो पीछे की तरफ जो आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है बैक में। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है, तो कैमराज भी इसमें आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बैटरी की बात कर ले तो इसमें आपको 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है और ये वाला जो स्मार्टफोन है 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जो कि आपकी 50% चार्जिंग 25 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर प्रोसेसर की बात कर ले तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोसेसर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इसमें भी जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिलता है, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट वगैरह भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो स्मार्टफोन जो है काफ़ी अच्छा है। लास्ट में अगर इसके प्राइस की बात कर ले तो 14,999, मतलब 15,000 रुपये में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है।
तो जरूर से आप इसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना।